यानी उसको गर्म कीजिए। और दूध को कितनी गर्मी चाहिए यह तो केवल उस गैया के गोबर को ही पता है, इसलिए गोबर के कंडे पर ही गर्म कीजिए। गोबर के कंडे को पता है कि इस दूध को कितनी गर्मी चाहिए, कितनी ताप चाहिए ताकि दूध की तासीर ना बदले, इसलिए केवल उसी गाय के गोबर के कंडे पर आप उस गैया के दूध को गर्म करो। अगर प्रातः काल करना है तो सूर्य उदय के 2.5 घंटे के अंदर उस दूध को आप गोबर के कंडे पे तपा दो, उसका रूपांतरण हो गया, अब वह दूध 12 घंटे तक खराब नहीं होगा, उसकी तासीर नहीं बदलेगी। और शाम में जब गैया चर करके आती है चारागाह से, तब सूरज ढलने के बाद उस गैया के थन से दूध को निकालिए, और फिर रात्रि के प्रथम पहर में यानी सूर्य अस्त से 2.5 घंटे के अंदर ही उस दूध को गोबर के कंडे पे तपा दो। जब दूध अच्छी तरह से तप जाए तब रात्रि के दूसरे प्रहर में यानी सूर्य अस्त के 5 घंटे के अंदर उस दूध में जामुन डालिए, थोड़ी सी दही डालिए या थोड़ा छाछ डालिए। अगर ऐसी क्रिया हम करें तब 2.5 घंटे के अंदर दूध का रूप बदल जाता है, दूध का कन्वर्सन दही के रूप में हो जाता है। केवल 2.5 घंटे का समय लगता है यानी रात्रि का तीसरा प्रहर। रात्रि के तीसरे पहर में ऐसा दूध जमकर दही हो जाता है, जो दूध बिल्कुल जल की तरह दिखता था अब जम करके दही बन गया है। और ऐसे दही को सूर्य उदय से 2.5 घंटा पहले से लेकर सूर्य उदय के बीच में, सनराइज से 2.5 आवर्स बिफोर का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। इस दौरान, इस 2.5 घंटे के दौरान कभी भी आप ऐसे दही में मंथन की क्रिया कीजिए, और मंथन की क्रिया ऐसे कीजिए ताकि दही में डूबा हुआ मथनी एक बार पृथ्वी के घूमने की गति में घूमे और दूसरी बार उसके उल्टे गति में घूमे। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गति से मथनी घूमेगी और तेज गति से घूमेगी तब दही के प्रोटॉन्स टूटेंगे, आपस में टकराकर टूटेंगे। दही के प्रोटॉन्स में वैसा ही बम्बार्डमेंट होगा जैसा बिग बैंग थ्योरी के प्रोटॉन में बम्बार्डमेंट हुआ था, और दही के प्रोटॉन में जब बम्बार्डमेंट की क्रिया होगी तो दही के प्रोटॉन्स टूटकर विखंडित हो जाएंगे, 3 टुकड़ों में बट जाएंगे। पहला जो टुकड़ा है वह ब्रह्म ऊर्जा है, ईश्वरीय कण है, ईश्वर है, और यह ईश्वर जो बिग बैंग थ्योरी में क्षण भर के लिए आया, 1 सेकंड के 360वें हिस्से के बराबर समय पर स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आया और ओझल हो गया। लेकिन दही के जब प्रोटॉन बम्बार्डमेंट के बाद टूटते हैं तब ओझल नहीं होते, बल्कि वह मक्खन के रूप में छाछ के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। यह जो मक्खन है यह इस सृष्टि का अद्भुत पदार्थ है जिसमें ब्रह्म ऊर्जा यानी ईश्वरीय कण ठोस अवस्था में रहते हैं। यह अद्भुत है, मक्खन इतना अद्भुत है जिसमें 2 विपरीत शक्तियां साथ साथ सहोदर भाई बहन की तरह रहते हैं। 2 विपरीत शक्तियां इस सृष्टि की, एक जल और दूसरा अग्नि। जल और अग्नि का मिलन कभी नहीं होता इस सृष्टि में, जल की प्रकृति कुछ और है, अग्नि की प्रकृति ठीक उसके विपरीत है। जल और अग्नि कभी भी एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन ईश्वरीय कणों की ताकत के कारण जल और अग्नि दोनों एक साथ सहोदर भाई बहन की तरह मक्खन के अणुओं में छिपे होते हैं। इस मक्खन में छिपा हुआ जो जल है इसे आप धीमी आंच पर तपाकर जल को वाष्पीकृत कर उड़ा सकते हो आप। जब जल वाष्पीकृत कर उड़ जाएगा तब केवल अग्नि उसमें बचेगा, और उसी अग्नि का नाम है घृत, घी। तो घी बनाने की ऐसी अद्भुत कला क्रिया हमारे महर्षियों ने वैदिक काल में खोज कर निकाली। अगर इन्हीं क्रिया से
हम आज इस कलयुग में अपने घरों में घी का निर्माण शुरू कर दें और ऐसा घृत अगर हमारे घर में एक दीपक के रूप में जल जाए, तब उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों को 21% ऑक्सीजन वाला वायु मिल जाता है और उस घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्डियो की बीमारी नहीं हो सकती, श्वसन तंत्र का रोग नहीं हो सकता, फेफड़े का रोग नहीं हो सकता, हृदय का रोग नहीं हो सकता, श्वसन तंत्र की नलियों का रोग नहीं हो सकता, इसके अलावा भी कई तरह के रोग नहीं होंगे। ऑक्सीजन की कमी ही ऐसा है जिसके कारण मनुष्य शरीर के लगभग सभी रोग होते हैं। जितने भी रोग हम मनुष्य के शरीर में होता है, इन सभी में ऑक्सीजन की कमी की कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी मनुष्य की सभी बीमारियों में होता है। दुनिया की कोई भी बीमारी आप ले लो, जब उसकी बारीक से जांच करेंगे हम, तब पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी की भूमिका रही है। तो ऐसा घृत अगर हमारे घरों में जल जाए, तब हमारा यह जो शरीर है ये अनगिनत बीमारियों से बच सकता है। ऐसी अद्भुत जो है वो कला हमारे ऋषियों ने वैदिक काल में ढूंढ कर निकाली थी और उसी का जो है पुनः परीक्षण स्विट्जरलैंड की धरती पर बिग बैंग थ्योरी में किया गया और कहा गया कि वे हम लोग तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो ईश्वरीय कण की खोज कर रहे हैं और यह कलयुग का पहला परीक्षण है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो हमारे भारत भूमि पर शतयुग में पहले ही हो चुका और ईश्वर कण कण में विद्यमान है, यह तो हम सतयुग से कहते आ रहे हैं। तो यह भारत के लिए गर्व का विषय है, हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, लेकिन इसे खुली कंठ से यूरोप के वैज्ञानिक नहीं कहते और कहेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर इस सत्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारत की जो धारणा है कण कण में ईश्वर की, यह सत्य है, तो भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ जाएगा। इसके लिए यूरोप के वैज्ञानिक कभी भी खुली जुबान से इसको नहीं स्वीकारते, लेकिन इसमें से एक दूसरा जो वैज्ञानिक तथ्य सामने निकल कर आया है वह अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि हम सभी भारतीयों का सीना फूल सकता है, हमारी गर्दन ऊंची हो सकती है, और वह है बिग बैंग थ्योरी में प्रोटॉन के विस्फोट से निकला हुआ वह दो आकृतियां जो गॉड पार्टिकल्स के दोनों तरफ थे। इसमें से एक है विष्णु ऊर्जा और दूसरा है शिव ऊर्जा, और यह धारणा सत्यापित करती है कि सृष्टि के कण कण में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास है। यह पूरी की पूरी सृष्टि अगर निर्मित है अगर किन्हीं कणों से, तो उन्हीं कणों का नाम है ब्रह्मा विष्णु और महेश। और आप इस चित्र में देख सकते हो कि दही मंथन की क्रिया के बाद जो उसमें से निकला है वह मक्खन रूपी ब्रह्म ऊर्जा है और उसके एक तरफ शिव ऊर्जा है और एक तरफ विष्णु ऊर्जा है। अब आने वाले दिनों में लगभग 20 से 30 साल लग सकते हैं, आने वाले दिनों में भौतिक विज्ञान का एक नया युग आने वाला है और उस युग में वैज्ञानिक यही कहेंगे कि पूरी की पूरी दुनिया तीन तरह की ऊर्जाओं से संचालित है। उसमें से ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा का नाम नहीं होगा, नाम कुछ अंग्रेजी वाला होगा, नाम कुछ यूरोपियन भाषा वाला होगा, लेकिन वास्तविकता यही होगी कि हम भारतीयों की जो धारणा सतयुग से रही है कि इस सृष्टि के संचालन में तीन ऊर्जाएं लगी हुई है। ब्रह्म ऊर्जा जो निराकार है, जिसकी कोई आकृति नहीं होती, वह तो प्रकाश के एक पुंज की तरह है और उस प्रकाश पुंज रूपी ऊर्जा के एक तरफ विष्णु ऊर्जा और दूसरे तरफ शिव ऊर्जा। ये तीन ऊर्जाओं की ही ताकत है कि पूरा का पूरा सृष्टि संचालित है। हमारे शरीर में भी यही तीन ऊर्जाएं हैं, ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा। हमारी आंखों के सामने जितना कुछ दिखता है, सजीव या निर्जीव, उन सभी में यही तीन ऊर्जाएं हैं।
हम जिस भोजन को करते हैं उस भोजन के अणुओं में भी यही तीन ऊर्जाएं हैं, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा। ब्रह्मा विष्णु और महेश की परिकल्पना भारत के लोगों ने, हम लोगों ने देवताओं के रूप में जरूर किया है, लेकिन उसके मुख्य में जो विज्ञान है वह ऊर्जा का विज्ञान है। हमारे शरीर के अंदर की जो चेतना, इस शरीर को जो चला रही है, इस शरीर से जो क्रियाएं करवा रही है, वह ऊर्जा अदृश्य है, वह ब्रह्म ऊर्जा है। इस शरीर को वायुमंडल के ताप से जो बचा रहा है, वायुमंडल में बहती हुई हवाओं के झोंकों से जो बचा रहा है, लहलहाते हुए धूप से इस शरीर को जो बचा रहा है, वह शिव ऊर्जा है। शिव ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि किसी भी एटम्स के बाहरी कक्षा में सतत घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, वही शिव ऊर्जा है। शिव कोई और नहीं, हर अणु के अंदर उसकी रक्षा करता हुआ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स और शिव में कोई भी अंतर नहीं है, नाम अलग अलग हैं। और जो यह शरीर है, बाहरी जो चमड़ी है, यह शिव है। यह चमड़ी ही है जो बाहर के अंतर को, बाहर के परिवर्तन को, परिवर्तन से इस शरीर को बचाता है, यह शिव है। और अंदर का जो शरीर है वह विष्णु है। विष्णु शरीर है, शिव शरीर का ऊपरी आवरण है, और इस ढांचे में जो अदृश्य है, जो इस शरीर में चेतना के रूप में है, जो चला रहा है, वह ब्रह्मा है, वह ब्रह्म है, निर्विकार है। उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई लंबाई नहीं है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। इसलिए भारत में ब्रह्मा के मंदिर नहीं बने, ब्रह्मा का तस्वीर नहीं बना, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनी। और बन भी कैसे सकती है, क्योंकि तो वह ऊर्जा रूपी प्रकाश का एक पुंज है, उसकी आकृति कैसे बन सकती है। हम भारतीयों की इतनी ऊंची समझ कि ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया। मंदिर बनाया तो भगवान विष्णु का बनाया। विष्णु कोई और नहीं, कोई देव नहीं, कोई भगवान नहीं, बल्कि इस सृष्टि का वह सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिससे यह शरीर का ढांचा बना है। इस शरीर का अणु अणु, इस शरीर की एक एक कोशिकाएं विष्णु है। और उस कोशिकाओं को वायुमंडल के परिवर्तन से बचाने वाला जो आवरण है, वह इस शरीर का शिव है। यह शरीर भी इन्हीं तीन ऊर्जाओं से चलता है, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा। आने वाला जो भौतिक विज्ञान है वह इन्हीं तीन ऊर्जाओं का विज्ञान होगा। आने वाले दिनों में फिर से यूरोप एक नई थेरेपी, एक नई थ्योरी दुनिया को देने वाला है, ऊर्जा विज्ञान का थ्योरी। और यूरोप के वैज्ञानिक अब बुलंद आवाज में कहेंगे कि इन तीन ऊर्जाओं की खोज यूरोप की धरती पर हुआ, स्विट्जरलैंड की धरती पर हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले भारत जाग जाए, उससे पहले भारत का बच्चा बच्चा इस सत्य को जान ले कि यह ब्रह्मा विष्णु और महेश से संचालित यह पूरी सृष्टि की थ्योरी कोई और नहीं, भारत भूमि ने सतयुग में दिया था। और जितना कुछ थ्योरी समीकरण हमारे ऋषियों के परीक्षण का है, यह आज तक चोरी होते आया। यूरोप के सारे वैज्ञानिकों ने हमारे महर्षियों के समीकरण को चोरी किया, अनुवाद किया और पेटेंट राइट लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। आज का भारत और आज का युवा अब भारत के थ्योरी की चोरी नहीं होने देगा। इसलिए जो मेरी भावना है कि वह समय यूरोप का आए, उससे पहले भारत का बच्चा बच्चा ब्रह्मा विष्णु और महेश की इस आणविक ऊर्जा शक्ति को पहचान ले और इस थ्योरी की स्थापना उससे यूरोप से पहले इस धरती पर हो जाए। गैया का दूध, दही, मक्खन, उसमें मंथन, मक्खन का निकलना और उसमें से जल को वाष्पीकृत कर घी बनाना, ये पूरा जो विज्ञान है, प्रयोग है, यह सृष्टि का अद्भुत प्रयोग है। और इसी प्रयोग ने हमें बताया, इसी प्रयोग ने सतयुग में हमें समझाया कि यह पूरी की पूरी सृष्टि तीन ऊर्जाओं से संचालित है। मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों का शरीर,
और हमारी आंखों के सामने जितने वनस्पति दिखते हैं उनका शरीर, ये सब कुछ ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा है। यह प्रोट्रॉन जब टूटा टैनल में हाई स्पीड पर, तब उसमें से एक जो प्रकाश पुंज की तरह निकला और चला गया, ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। और जो आकृतियां दो निकल गई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई थी, जो पिंड के रूप में था, उसमें से एक आकृति का जो रंग रूप था वह शिवलिंग की तरह था, और दूसरी आकृति का जो रंग रूप है विष्णु का सहस्त्र रूप है। यह जो विष्णु भगवान की मूर्ति और उसकी जो परिकल्पना शतयुग में जो बनी, यह कोरी नहीं है, बल्कि प्रोटॉन के टूटने के बाद जो सबसे सूक्ष्म कण है उसकी आकृति है। एक आकृति जो विष्णु के स्वरूप में है और दूसरी आकृति जो शिवलिंग के स्वरूप में है। इसीलिए सदियों से हम शिवलिंग की प्रार्थना करते आए हैं, उनकी याचना करते आए हैं, क्योंकि उन्हीं सूक्ष्म पिंडों से यह शरीर निर्मित है। शिवलिंग की पूजा करना यानी अपने शरीर में छुपे हुए शिव रूपी सूक्ष्म पिंडों की पूजा है। भगवान विष्णु की पूजा का तात्पर्य है कि हमारा शरीर जिन सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है, उन कोशिकाओं के प्रोटॉन के टूटने के बाद जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, उस कण की पूजा करना है, याचना करना है। शिव कोई और नहीं, इस सृष्टि का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। भगवान विष्णु कोई और नहीं, इस सृष्टि का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे सूक्ष्मतम कण। और ब्रह्म तो निराकार है। यहां पर जब यह विज्ञान उदित हुआ यूरोप में, तब इसमें से एक और गंभीर चीजें निकले और हम भारतवासी उसी गंभीर परिणाम के चपेट में आज पड़े हुए हैं। यूरोप जो समझता है कभी भी दुनिया को कहता नहीं, और यूरोप जो नहीं समझता है वही दुनिया को कहता है। इस सत्य को पहचानो। एक उदाहरण है आपके सामने। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि विश्व में एक जो सबसे बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान पर काम करने वाला एजेंसी है, नासा, उसकी कुछ बातें आपने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी कि वह मंगल पर बसने की तैयारी कर रहा है। पढ़ा था आप लोगों ने 2-3 साल पहले कि मंगल पर बसने की तैयारी हो रही है। नासा जानता है कि मंगल हमारा बीता हुआ कल है। मंगल को जलाकर हमने राख किया है, मंगल के भूगर्भ से सब कुछ लेकर के मंगल का नाश किया, और जब मंगल जो है अग्नि के चपेट में पड़कर जलकर राख होने की स्थिति में आ गया, तब हम सभी धरती पर आए हैं एक नए घर की खोज में। मंगल को जलाया है इसलिए धरती की खोज की है, और धरती पर हम बसे हैं और अब धरती को जलाने की क्रिया में लगे हुए हैं। धरती जलेगा तब फिर हम मंगल पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जले हुए घर में वापस नहीं जाता। नासा की सोच शुक्र पर चल रही है कि पृथ्वी पर जब प्रलय आएगा, पृथ्वी जब नष्ट होगा, तब शुक्र ही रास्ता है। शुक्र के सिवाय इस सौर्यमंडल में और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। हम जुपिटर से चलते हुए मंगल पर आए, मंगल से चलकर धरती पर आए, और धरती से अब शुक्र पर जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस सच को नासा कभी नहीं कहता। पिछले 6 महीने पहले वहां से ये बात लीक हुई और समाचार पत्रों में एक छोटा सा समाचार छपा था कि नासा की दृष्टि मंगल पर है, लेकिन वह बात नासा की दृष्टि शुक्र पर है, लेकिन वह बात मंगल की करता है। यह यूरोप की जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ये सभी एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं। ये सच कभी नहीं बोलते। यह जो ब्रह्मा विष्णु और महेश किसी भी वस्तु में समाहित होना
उस वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम अंश होना, इसकी खोज तो बिग बैंग थ्योरी के पहले ही हो गई थी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी में केवल इसको सत्यापित किया गया कि यह बिल्कुल सच है। जब यूरोप के कुछ कंपनियों को, निजी कंपनियों को यह मालूम हुआ कि मनुष्य शरीर में भी ये तीन ऊर्जाएं होती है और तीनों ऊर्जाओं का अलग अलग काम है। ब्रह्म ऊर्जा का काम है कि इस शरीर में चेतना को जगा कर रखे, इस शरीर को संवेदनशील बना करके रखे, बाहरी परिवर्तन को समझने की ताकत दे, कुछ सृष्टि के लिए अच्छा करना, कुछ नया करना, ऐसा चित्त प्रदान करे। यह इस शरीर के अंदर विद्यमान ब्रह्म ऊर्जा का कार्य है, चेतना को जगा कर रखना। इस शरीर के अंदर जो शिव ऊर्जा है उसका एक ही काम है, बाहरी परिवर्तन से इस शरीर को बचा कर रखना। शिव हमें बाहरी विपत्तियों से बचा कर रखने वाले देव या पार्टिकल्स हैं, और यह शरीर की आकृति बना रहे इस दिशा में विष्णु ऊर्जा का कार्य है। विष्णु ऊर्जा हमारे शरीर की आकृति को बचा कर रखते हैं। जैसे हमारा दो हाथ है, पेट है, पीठ है, हाथ है, आंख है, नाक है, कान, ये जो पूरी की पूरी जो आकृति है, ढांचा है, यह ढांचा विष्णु पार्टिकल्स के कारण बचा हुआ है। जब यह यूरोप के कुछ निजी कंपनियों को यह विज्ञान हमारे वेद के समीकरणों से पता चला, तब उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। प्रयोग ऐसा शुरू किया कि किसी भी अनाज से, खाने वाली वस्तु से अगर हम ब्रह्म ऊर्जा को निकाल दें तब वह वस्तु कैसी हो जाती हो। अगर हम किसी अनाज से, उसमें से शिव ऊर्जा को अगर हम निकाल दें तब उस अनाज का क्या स्वरूप बन सकता है। अगर किसी अनाज से अगर विष्णु तत्व को बाहर निकाल दें तब उस अनाज में कैसी विकृति आती है, इस पर अध्ययन का काम शुरू किया। और बिग बैंग थ्योरी से 5 साल पहले कंपनियों ने यह सत्यापित कर दिया कि अगर किसी भी खाने की वस्तु, चाहे अनाज हो, फल हो, फूल हो या सब्जियां हो, उनमें से अगर ब्रह्म ऊर्जा को अगर निकाल देते हो तब उस अनाज की चेतना मर जाती है। और ऐसा अनाज कोई व्यक्ति अगर लगातार 20 साल खा ले तब उसके शरीर से भी चेतना खत्म हो जाती है, क्योंकि इस शरीर को जो ब्रह्म ऊर्जा मिलती है, चेतना मिलती है, वो खाने की वस्तुओं के अंदर छिपे हुए ब्रह्म ऊर्जा से मिलता है। और ब्रह्म ऊर्जा विहीन अनाज, फल, फूल और सब्जियां अगर कोई व्यक्ति खा ले तब 20 साल में उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसके शरीर से, आत्मा से चेतना खत्म हो जाएगी। चेतना को अगर समझना है तो एक कड़वे उदाहरण के साथ समझ सकते हो। आप जैसे, बड़ा कड़वा उदाहरण है लेकिन पचा लेना इसको, आप सड़क पर जा रहे हो और कोई व्यक्ति अचानक आया और आपके गाल पर एक थप्पड़ मारा। यहां पर दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है जो उलट के उसको दो थप्पड़ लगा दे, एक व्यक्ति हो सकता है चलता बनेगा। जिस व्यक्ति के गाल पर थप्पड़ लगी और उसने प्रतिक्रिया नहीं की, रिएक्शन नहीं किया, समझ लो उस व्यक्ति की चेतना मर गई है। उसे अगर कोई गुलाम बना ले वह गुलामी को सहज स्वीकार कर लेगा। अगर उसके जीवन से धन, अर्थ, ज्ञान सब कुछ कोई लूट ले वह कभी भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, वह रिएक्ट नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति ने एक थप्पड़ के बदले दो थप्पड़ जड़ दिया हो, समझ लो उस व्यक्ति के अंदर ब्रह्म ऊर्जा है, चेतना जागृत है। उसकी चेतना जरूर रिएक्ट करेगी, वह कभी भी गुलामी के बंधन में नहीं बंध सकता, वह कभी भी लूटा नहीं जा सकता है। तो अनाजों से चेतना ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा को निकालने का प्रयोग यूरोप के कुछ कंपनियों ने किया। उसमें से एक जो बड़ी कंपनी है उसका नाम है मॉन्सेंटो, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों का इतिहास अगर आप उलट करके देखो तो द्वितीय महायुद्ध में इन्हीं कंपनियों ने रासायनिक हथियार बनाए थे।
रासायनिक हथियार बनाना और दुनिया के देशों में बेचना, सप्लाई करने का काम मोनसेंटो जैसी लगभग 15-16 कंपनियों ने किया था। और यही कंपनियां आज पूरे दुनिया में चेतना विहीन अनाज के बीज बेच रहे हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में हाइब्रिड अनाज कहते हैं। हाइब्रिड अनाज का अर्थ होता है चेतना विहीन अनाज, उसमें ब्रह्म ऊर्जा नहीं होता। यही कारण है कि चेतना विहीन हाइब्रिड अनाज कभी भी अंकुरित नहीं होते। अगर अंकुरित हो गए तब उसमें से पौधा नहीं बन सकता है। हाइब्रिड अनाज को खेतों में बो दो, फिर से पौधा नहीं बन सकता है, बीज से बीज उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से चेतना ऊर्जा को निकाल ली गई है, उसमें से ब्रह्म ऊर्जा को निकाल लिया गया है। और ब्रह्म ऊर्जा को निकाल कर ऐसे अनाज बेचने का जो षड्यंत्र पिछले 30 सालों से चल रहा है दुनिया में, उसके पीछे उन कंपनियों का एक ही स्वार्थ है कि दुनिया के लोगों की चेतना को मार दो, तभी दुनिया को फिर से गुलाम बनाया जा सकता है। हाइब्रिड अनाज का सेवन करना यानी सहर्ष गुलामी को स्वीकार कर लेना है। अगर आप अपने बच्चे को 20 साल की अवस्था तक हाइब्रिड अनाज अगर खिला दो तब उसकी चेतना बिल्कुल मर जाएगी और वह कभी भी अपने स्वाभिमान के लिए रिएक्ट नहीं कर सकता, कभी भी अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा नहीं हो सकता। उसके साथ दुनिया की सरकारें और दुनिया की माफियाएं कुछ भी गलत कर ले, कुछ भी शोषण कर ले, उसकी जुबान कभी खुल नहीं सकती है। दुनिया को फिर से जो गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है वह इन्हीं हाइब्रिड अनाजों के माध्यम से चल रहा है। धीरे धीरे हमारे देश के बेईमान वैज्ञानिकों ने भारत के मूल अनाज और उसके बीजों को यूरोप और अमरीका में इन कंपनियों के हाथ से बेचा, और इन्हीं बेईमान वैज्ञानिकों ने प्रमोट किया हमारे देश में कि अच्छे फसल के लिए, हाई यील्डिंग के लिए हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किसान करें, और किसानों ने खुल करके किया। इस देश में जहां तक मेरी जानकारी है कि 1700 तरह के धान के पौधे हुआ करते थे, 1700 तरह के, जिसमें से हमारा जो तमिलनाडु है अकेले 1100 तरह के धान की प्रजातियां पैदा करने वाला राष्ट्र था। आज तमिलनाडु में आप अगर आप ढूंढ लो तो 11 प्रजातियां भी मुश्किल से मिल पाती है। इन सभी धान की प्रजातियों का हाइब्रिडिंग हो गया। गेहूं पहले से ही हाइब्रिड किया हुआ है, और जितने भी दालें थी सभी हाइब्रिड कर दी गई। जितना कुछ सब्जियों के पौधे थे हाइब्रिड कर दिया गया, फल हाइब्रिड कर दिए गए, फूल के पौधे हाइब्रिड कर दिए गए। अब जो कुछ भी बाजार में मिलता है वह हमें हाइब्रिड मिलता है, यानी ब्रह्म ऊर्जा विहीन चीजें मिलती है। उसमें ब्रह्म ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, उसमें चेतना बिल्कुल नहीं है। और ऐसा अनाज खाकर यह भारत आज गुलामी के इतने बड़े शिकंजे में फंस गया है कि जिस राष्ट्र में जल पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का कर्म होता था, उस राष्ट्र में 80 रुपए लीटर पानी बोतलों में बंद कर बिक रहा है। 20 साल पहले का भारत, और उस भारत में अगर किसी व्यक्ति से अगर आप चर्चा कर लेते कि क्या इस देश में पानी बेची जा सकती है, पानी का विपणन हो सकता है इस देश में, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति कह देगा पानी भगवान का फोकट का दिया हुआ चीज, ये कभी बेची जा सकती है क्या? लेकिन देखते देखते भारत इतना बदल गया कि अब 100-150 रुपया की मजदूरी करने वाला मजदूर भी बोतल बंद पानी खरीद कर पीता है, और उसे कभी भी दर्द नहीं होता कि वह भगवान के दिए हुए पानी को खरीद कर पी रहा है। यह गुलामी की निशानी का पहला नमूना है कि भगवान का दिया हुआ फोकट का जल इस देश में बिकने लग गया, जल के माध्यम से शोषण शुरू हुआ, लेकिन हमें थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई। और कल का भारत कैसा होगा? कल का भारत ऐसा होगा जिसमें ऑक्सीजन खरीद कर पीना पड़ेगा, और हमें थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिड अनाज, फल फूल और सब्जियों को खाकर हमने चेतना को पहले ही मार लिया है। तो यह जो नई गुलामी आने वाली है, इस गुलामी से थोड़ा भी दर्द नहीं होगा।
चीन के बीजिंग में ऑक्सीजन सिलेंडरों में भरकर खुले बाजार में बेचा जाने लगा, 3,500 रुपए लीटर। कल्पना करो, एक लीटर ऑक्सीजन पीने के लिए 3,500 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे, और यह समय बहुत लंबा नहीं है। अधिक से अधिक बीजिंग से भारत पहुंचने में ऑक्सीजन के सिलेंडर को 3 साल लग सकते हैं, अधिक से अधिक 5 साल लग सकते हैं। 3 से 5 साल के बाद का भारत ऐसा भारत होगा जिसमें हम सभी भारतीयों को ऑक्सीजन खरीद कर पीना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक जो विज्ञान के विकास की जो रफ्तार है वो इतनी तेज हो जाएगी कि हमारे भारत के वायुमंडल में ऑक्सीजन का घनत्व 10% से नीचे गिर जाएगा। बीजिंग में यही हुआ। बीजिंग के वातावरण में जब 10% से नीचे ऑक्सीजन गिर गया, तब वहां की सरकारों ने जो है घोषित कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर जिंदगी बचानी है, निरोगी रहना है, रोगों से बचना है, तब ऑक्सीजन आप खरीद कर पीजिए। और कंपनियां इसी ताक में लगी हुई थी कि कब सरकार विवश होकर के ऑक्सीजन बेचने का जो है परमिशन दे दे, अनुमति दे दे, और उनकी तो चांदी हो गई। अब वो 3,500 रुपए लीटर का ऑक्सीजन खुले बाजार में बेच रहे हैं। भारत के बाजारों में 10 साल पहले ऑक्सीजन पीने के पार्ले खोले गए, सरकार ने उसकी अनुमति दे दी। एक बार आप ऑक्सीजन पार्ले में ऑक्सीजन पीने चले जाओ तो लगभग यहां भी 3 से 3,500 रुपए लगते हैं। और भारत के जितने भी महानगर हैं या द्वितीय दर्जे के जितने भी महानगर हैं, सभी महानगर में ऑक्सीजन पीने के पार्ले खोले जा चुके हैं। अब केवल इस भारत को जरूरत है खुले बाजार में ऑक्सीजन का सिलेंडर लॉन्च कर देना, और वह 3 से 5 साल के अंदर भारत में हो जाएगा, और हमें कभी भी दर्द नहीं होगा, कभी भी आभास नहीं होगा कि भगवान का दिया हुआ फ्री का, मुफ्त का ऑक्सीजन आज हम कंपनियों के माध्यम से खरीद रहे हैं, हमारी कमाई पानी खरीदने में और वायु खरीदने में जा रही है, इसका दर्द नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड अनाज खिला करके चेतना को उन्होंने पहले ही मार दिया है। तो मुझे तो लगता है कि आज के भारत को जागने की जरूरत है, हमें जागना पड़ेगा, और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे देश के वायु में 21% ना सही लेकिन 15-16-17% तो ऑक्सीजन बचा रहे, ताकि हम जो है बचे रहें, हमारे जीवन भर की जो कमाई है ये कंपनियां लूट कर ना ले जाए। और इसके लिए देखो एक ही रास्ता बचता है, केवल एक ही रास्ता बचता है, और वह है गाय। अगर इस संकट से बचना है तब एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है गाय। गाय के गोबर का हमने रासायनिक विश्लेषण करके देखा, केमिकल एनालिसिस करके देखा उसका, तो मालूम चला कि गाय के गोबर में जो है 27% धरती का शुद्ध ऑक्सीजन है। इस धरती पर हिमालय की तराई में चले जाओ आप, जहां आपको लगता हो, हमें लगता है कि वहां प्रदूषण नहीं है, वह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त है, वहां भी आज 21% ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन गाय जो कुछ भी खा ले, चाहे जिस प्रदूषण वाले वायुमंडल में रह ले, कुछ भी खा ले, मोरबी नगर के सड़कों पर घूमते हुए कूड़े कचरे को खा ले, लोगों के घर का जूठन ही वो गैया खा ले, लेकिन वह जब इन सबको अपने शरीर के अंदर पेट में जब सौर्य मंडल की सभी ग्रहों की ऊर्जा के साथ क्रियाएं करके और गोबर के रूप में जब बाहर निकालती है, तब उसमें 27% ऑक्सीजन होता है। यह वैज्ञानिकों की कल्पना से बाहर है, वैज्ञानिकों को एक बार भरोसा ही नहीं हुआ कि गाय का गोबर इतना शुद्ध ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन बार बार जब उन्होंने केमिकल एनालिसिस करके देखा और भिन्न भिन्न प्रजाति की गायों का गोबर का जब हमने केमिकल एनालिसिस करवाया तो सब में लगभग एक जैसा 23% से लेकर के 27% का हिसाब ही निकला उसमें। तब हमारे दक्षिण भारत के जो प्रबुद्ध वैज्ञानिक हैं, जो हमारे अभियान में जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने माना कि
कि गाय सच में अद्भुत प्राणी है सृष्टि की, चाहे वह दिल्ली दिल्ली में दिल्ली की गलियों में जूठन खाने वाली गाय हो जहां 11-12% ऑक्सीजन है, चाहे आपके मोरबी नगर में हो जहां 17-18% ऑक्सीजन हो सकता है या शायद 15-16% हो सकता है, यहां की गलियों में घूमने वाली कूड़ा कचरा और प्लास्टिक खाने वाली भी गाय है, उसका भी गोबर लेकर के आप केमिकल एनालिसिस करके देख लो, वही 23-27% ऑक्सीजन उसके गोबर में मिलेगा। और इतना ज्यादा ऑक्सीजन जब इस धरती की मिट्टी में मिलता है, समझ लो मिट्टी की शुद्धता कितनी तेजी से बढ़ती होगी। और यह बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, जब इस परीक्षण को हमने आगे बढ़ाया तब तो आधुनिक विज्ञान की कमर ही टूट गई। आधुनिक विज्ञान का एक सूत्र है, एक फार्मूला है, आपने भी पढ़ा होगा, प्रोसेस लॉस का फार्मूला। आप बाजार से 1 किलो गेहूं खरीद कर लाती हो और उसे जाती हो आटा बनवाने के लिए, जब आटा बनता है तब 1 किलो आटा नहीं बनता, 990 ग्राम हो सकता है, 980 ग्राम हो सकता है। 1 किलो गेहूं के दाने से 1 किलो आटा नहीं बन सकता, यही आधुनिक विज्ञान की सोच है। आधुनिक विज्ञान का बेसिक प्रिंसिपल है प्रोसेस लॉस, किसी भी वस्तु का प्रोसेस करो आप तब उसमें कुछ लॉस होता है, कुछ नुकसान होता है, यह आधुनिक विज्ञान का बेसिक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत की कमर तो गाय की गोबर से ही टूट जाता है। कैसे? आप भी इस परीक्षण को कर सकते हो, गैया के कच्चे गोबर का केमिकल एनालिसिस करके देखो, उसमें 23-27% आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और इसी गैया के गोबर को धूप में सुखा दो, कंडा बना दो, कंडा ही बोलते ना गुजराती में, छाण, हां, इसको धूप में सुखा करके बना दो और इसको कूट कर चूर्ण बना लो और इस चूर्ण का फिर केमिकल एनालिसिस करके देखो, उसमें 30% से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। कहां से आया, कहां से आया ऑक्सीजन इतना? पहले तो नहीं था गैया के कच्चे गोबर में, लेकिन वही जब धूप के प्रकाश में, धूप की किरणों से जब संवर्धित हो गया तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। और इस छाण को आप अग्नि को समर्पित कर दो, अग्नि में जलाकर कोयला बना दो आप, काला कोयला। छाण को जब आप अग्नि में जलाओगे तो पहले जो रूप परिवर्तन होगा वह कोयले के रूप में होगा, बिल्कुल काला, दिखने में 100% कार्बन जैसा लगेगा। इस कार्बन रूपी कोयले का केमिकल एनालिसिस करके देखो, 33% ऑक्सीजन छुपा हुआ मिलेगा। ये 3% ऑक्सीजन बढ़ गया कहां से? आज तक वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आया, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि अग्नि में छाण को डालने के बाद जब वह कार्बन रूपी काला हो जाता है तब उसमें ऑक्सीजन बढ़ता कहां से। और उसको फिर से पूरी तरह आप जला दो और जला करके ऐसा भस्म बना दो आप, राख, क्या बोलते हैं आप गुजराती में, राख, हाँ, ऐसा राख बना दो आप। विज्ञान क्या कहता है कि किसी वस्तु का समूल नष्ट करना हो, किसी वस्तु को अगर पूरी तरह से नष्ट करना हो तो अग्नि में जलाकर राख कर दो। छाण को अग्नि में जलाकर राख करके इसका केमिकल एनालिसिस करके देखो, वैज्ञानिकों का माथा ठनक गया जब इसमें 46.6% ऑक्सीजन निकला, 46.6% ऑक्सीजन है इस छाण में, हाँ। और इसको फिर से जलाया हमने, दोबारा इसको जलाया, तिबारा जलाया, अंत में 60% ऑक्सीजन निकला। यानी गाय के गोबर को जितना बार हमने प्रोसेस किया, किसी भी समय प्रोसेस लॉस नहीं हुआ। जबकि विज्ञान कहता है, मॉडर्न साइंस कहता है कि किसी भी वस्तु में प्रोसेस करो प्रोसेस लॉस होता है, लेकिन गाय का, किसी भी गव्य का प्रोसेस कर दो, कभी भी प्रोसेस लॉस नहीं होता, प्रोसेस में उसकी गुणवत्ता इंक्रीज होती है।
मॉडर्न साइंस का बेसिक प्रिंसिपल यही टूटकर बिखर जाता है। कैसा यह मॉडर्न साइंस है, कैसे इसके थ्योरी है, ये जो गाय के गोबर के सामने नहीं टिक पाता, गैया के दूध के सामने नहीं टिक पाता और गैया के मूत्र के सामने नहीं टिक पाता। यह जो छाण है ना और उससे बना हुआ भस्म, इसमें केवल ऑक्सीजन नहीं है बल्कि इस शरीर की जरूरत वाला 22 मिनरल्स हैं, 22 तरह के पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर की जरूरत है। इसमें 13% सिलिकॉन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें फास्फोरस है, इसमें रुबिडियम है, ऐसे ऐसे 22 तरह के मिनरल्स हैं इसमें जो मनुष्य के शरीर की वास्तविक जरूरत है। हमारे शरीर की जरूरत ना हो ऐसा एक भी मिनरल्स इसमें नहीं है, एक भी ऐसा इसमें एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर इस भारत को ऑक्सीजन रूपी षड्यंत्र से अगर बचाना है तो मैं निवेदन कर रहा हूं घूम घूम करके पूरे भारत के लोगों को कि अपनी गैया को बचा लो। अपनी गैया को अगर बचाओगे तब इस धरती पर कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने वाली है। जैसी स्थिति चीन के बीजिंग में हो गई है, भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी। लेकिन अगर गैया समूल नष्ट हो गई तो समझ लो कमाई का पूरा हिस्सा पानी खरीदने में और वायु खरीदने में लग जाएगा। जल और वायु से उत्पन्न शरीर के रोगों की चिकित्सा करने में पूरा का पूरा धन लग जाएगा। 30 साल तक पढ़ो और 20 साल तक कमाओ और 10 साल में सब हॉस्पिटल को लुटा दो। 60 साल की यही जिंदगी होगी। हाँ, 30 साल की पढ़ाई है हमारी। कुल मिलाकर के कलयुग के दूसरे चरण में 60 साल का उम्र है। 60 साल से अधिक अगर कोई जी रहा हो समझ लो वो बोनस की जिंदगी जी रहा है। 60 साल से ज्यादा उम्र तो बची नहीं है और इसमें जो आज पढ़ाई है मैकॉले एजुकेशन में वह 30 साल की पढ़ाई है। यानी 30 साल तक खेत में बीज बो, हाँ 20 साल तक फसल उगाओ और 10 साल में काटकर हॉस्पिटल को दे दो। आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारे बाप दादाओं ने इतना अर्जित किया है कि आज भी इस देश में 5-6 करोड़ परिवार तो ऐसे हैं जो बाप दादे की जो जमा पूंजी है, कमाई है, उसी पर जिंदगी निकाल रहे हैं। यह भारत देश तो अद्भुत ऐसा ही था कि एक पीढ़ी कमाती थी और 7 पीढ़ी बैठकर खाती थी। लेकिन आज का जो भारत है इसमें जो पीढ़ी कमाती है वह पीढ़ी खुद अपना खर्चा नहीं चला पाती है। बाप दादों का अर्जित मकान और संपत्ति बीमारियों के इलाज में बिक जाता है। और देखो ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं, हाँ भारत सरकार का जो पिछले साल का जो प्रतिवेदन है, पत्र है, उसको पढ़ करके देखो आप। सरकारें ही, हमारी सरकारें ही कह रही है कि भारत में प्रति वर्ष 2.5 लाख से 3 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं क्योंकि उन परिवारों में आमदनी से ज्यादा चिकित्सा पर खर्च हो रहा है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। और भारत सरकार इसीलिए चिंतित है कि प्रति वर्ष इस देश में 3 लाख परिवार गरीब हो जा रहे हैं। और गरीबी की परिभाषा क्या तय की है पिछली सरकारों ने कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 50 पैसा भी खर्च ना कर सके वह इस देश का गरीब व्यक्ति है। तो आप समझ लो गरीबी इस देश के लिए कितना बड़ा कोड़ है। और प्रति वर्ष 3 लाख परिवार, एक दो नहीं, 3 लाख परिवारों की स्थिति ऐसी हो रही है कि वे प्रतिदिन 50 पैसा भी खर्च करने लायक नहीं है क्योंकि उनके घर पर, उनके शरीर पर, उनके परिवार के सदस्यों पर चिकित्सा का खर्च इतना हुआ कि उनकी जमा पूंजी बिक गई, उनके बाप दादों की मकान बिक गई, उन घर की माताओं के गहने बिक गए और अब कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति तो भारत देश की पिछले 10-12 वर्षों से चल रही है।
और आज भी भारत देश की स्थिति ऐसी ही है। अगर इस देखो संकट से निकलना है और अगर आप अगर परिकल्पना करो, कल्पना करो मन में कि कम से कम मेरा परिवार ऐसी स्थिति में ना पहुंचे, तो एक ही रास्ता है, गैया का सानिध्य कर लो, गैया को घर पर लेकर के आ जाओ। देखो ये घाटे का सौदा नहीं है, आज का जो युग है ना वो अर्थशास्त्र का युग है। इसमें जो कुछ भी हमारे जीवन की गतिविधियां हैं इन सभी को अर्थ से जोड़कर देखते हैं कि इस काम को करने से कितना फायदा मिलेगा। मिलेगा तो करो, ना मिलेगा तो ना करो। तो मैं तो कहता हूं कि गैया को इस फायदे से, हानि और लाभ की दृष्टि से ही एक बार देख लो, ये कभी भी घाटे का सौदा नहीं होने देगी। आपके घर का, आपके घर के बच्चों पर होने वाले शिक्षा के खर्च को बचा सकती है ये गैया, आपके परिवार के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे को बचा सकती है, आपके घर पर खर्च होने वाले बहुत सारे अनगिनत ऐसे जो खर्चे हैं, छोटे छोटे चिल्लर खर्चे, इन सभी से बचा सकती है ये गैया। इसलिए गैया का सानिध्य करो, वह इस सृष्टि का शुद्ध ऑक्सीजन देती है। अगर बच्चों को निरोगी रखना है, बच्चों को अगर निरोगी रखना है, बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल करना है, उसे अगर अच्छा ज्ञान देना है, तो यह जो क्षीर सागर के का मंथन का जो चित्र आप देख रहे हो, इस क्रिया को अपने घर में प्रारंभ कर दो। भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध, और वह सूर्यास्त के बाद निकाला हुआ हो या सूर्योदय से पहले का निकाला हुआ हो, और इसे गोबर के कंडे पर अपने घर की बालकोनी में गर्म कर लो, और ऐसे दूध में आप जामुन डालो, और सूरज उगने से 2.5 घंटा पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय ऐसे दही में आप मंथन की क्रिया कर लो। मशीन ना मिले तो हाथ से मथनी से कर लो। इसमें से जो निकला हुआ जो ब्रह्म ऊर्जा है, मक्खन पुरानी बात हो गई, अब इस नए युग में मक्खन को ब्रह्म ऊर्जा हम कह सकते हैं। यह जो ब्रह्म ऊर्जा निकलता है, इस ब्रह्म ऊर्जा बच्चों को खिलाओ आप, उनकी चेतना कभी नहीं मर सकती, चाहे वो हाइब्रिड अनाज ही क्यों ना खाएं। ऐसा परीक्षण 1000 से ज्यादा बच्चों पर मैं पिछले 3 वर्षों से कर रहा हूं। भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस परीक्षण को हमने किया है, वह है महाराष्ट्र का सांगली और दिल्ली। ये 2 राज्यों में हमने ऐसा परीक्षण किया है। दिल्ली में 2500 परिवार ऐसे हमने चुने जिन परिवारों में भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध उनके घरों में सप्लाई करवाया। गैया के थन से जब दूध निकलता है, उसके 3 घंटे के अंदर उनके घर पे दूध पहुंचवाया। सांगली में लगभग 500 ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में पिछले 3 साल से गैया का धारोष्ण दूध, यानी गाय के थन से दूध जब निकले तो 3 घंटे के अंदर उनके घर पे पहुंचवाया। और प्रतिवर्ष ऐसे परिवारों पर सर्वेक्षण का काम हमारे पंचगव्य गुरुकुलम के गविसिद्ध डॉक्टर करते हैं, और प्रतिवर्ष उसमें से हम कुछ निचोड़ निकालते हैं कि उन परिवारों में क्या क्या परिवर्तन आया। ऐसे कुछ परिवर्तन से आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जब सांगली के 500 परिवारों पर ऐसा परीक्षण हमने करके देखा, तब उन घरों की जो स्थिति थी, पहले जर्सी हॉस्टियन फ्रीजियन या डेयरी के दूध पीने के समय जैसी स्थिति थी, इसका आंकड़ा हमने निकाला उसमें से कि परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे कितने बीमार होते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी है, कितने विषय में फेल होते हैं, कितने विषय में अच्छे मार्क्स लेते हैं, बच्चों की गतिविधियां कैसी है, और जो उस घर में जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनमें चिकित्सा का खर्च कितना होता है, उन घरों में आपसी झगड़े कितने होते हैं, कलह कितना होता है, घर में मनमुटाव कितना होता है, पति और पत्नी के बीच 1 वर्ष में कितने बार झगड़े होते हैं, इन सारी सामाजिक स्थितियों का आंकड़ा हमने निकाला। और निकालने के बाद उन घरों में देसी गाय का धारोष्ण दूध सप्लाई कराया।
एक साल के बाद फिर हमारे गविशिद्धर वहां पर गए और उन घरों से इन आंकड़े को फिर से संग्रहित किया कि एक साल के बाद उन घरों की कैसी स्थिति हुई और उन लोगों ने दूध को किस तरह से अपने काम में लिया, क्या दूध को गर्म किया और पी गए या दूध से दही बनाकर खाए या दही को मत करके छाछ पिया, बच्चों को दही खिलाया या मक्खन खिलाया, घी बनाया या नहीं बनाया, घी बनाया इसका क्या उपयोग किया। ये सारे आंकड़े जब इकट्ठे किए तब उसमें से निचोड़ आया कि एक वर्ष तक जिन परिवारों में हमने धारोष्ण दूध सप्लाई करवाई थी उन परिवारों में आपसी मनमुटाव पूरी तरह से बंद हो गया, आपसी झगड़े खत्म हो गए, पति और पत्नी के बीच जो बार बार खुन्नस होती थी यह खुन्नस सदा के लिए मिट गया। दूसरे साल जब हमने आंकड़ा निकलवाया तब उसमें से निकल करके आया कि बच्चों पर इसका बहुत ही अद्भुत परिणाम आया, बच्चों पर होने वाला जो चिकित्सा रूपी खर्च था यह पूरी तरह से खत्म हो गया, अब बच्चे बीमार नहीं पड़ते। वर्षा ऋतु आती है, वर्षा में बच्चे अच्छे से भींगते हैं, खेलते हैं, लेकिन उन्हें कभी सर्दी और जुकाम नहीं होता है। बच्चे ग्रीष्म ऋतु में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, धूप में घूमते हैं, लेकिन कभी भी उनको बुखार या लू नहीं लगती है। बच्चों का जो स्कूल का जो रिजल्ट है उसमें जो बच्चे दो या तीन सब्जेक्ट में पहले फेल करते थे वे अब फेल नहीं करते हैं। तीसरा साल जब फिर आंकड़ा हमने निकलवाया पिछले साल तब उसमें से तो बहुत ही अच्छा परिणाम आया, परिणाम ऐसा आया कि बच्चों की याददाश्त शक्ति बहुत बढ़ गई। बच्चे जो पहले 3 से 4 घंटे तक घर में पढ़ते थे अब मुश्किल से आधा घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में डिस्टिंक्शन मार्क्स आता है। एक बार बच्चे जिस विषय को पढ़ लेते हैं दोबारा उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पाठ को याद करने में कई हफ्ते बच्चों को लगते थे अब वह पाठ 2-3 बार के अभ्यास में उनको पता चल जाता है, याद हो जाता है। बच्चों पर इतना अद्भुत इसका परिणाम आया और बड़ों पर जो वृद्ध घर में थे उन्हें जो बार बार घुटने का दर्द है, बार बार सर्दी हो जाना है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, अपच है, यह तो पूरी तरह से खत्म हो गया। और पूरे परिवार में जो औषधीय खर्च है मेडिकल एक्सपेंडिचर 3 साल में 0 हो गया, 0। दिल्ली में भी अभी पिछले सालों से ऐसा परीक्षण का काम चल रहा है और इस साल गुजरात के द्वारिका नगर में पंचगव्य मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो होना है 19, 20 और 21 नवंबर को, उस नवंबर में दिल्ली में किए गए 250 परिवारों पर जो हमारा शोध चल रहा है इसका परिणाम वहां घोषित किया जाएगा। अगर आप आओगे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आपके लिए दरबार खुला है। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान के किसी भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जो है एंट्रेंस फ्री होता है, मतलब आप आइए, हम क्या तय करते हैं, हम कैसे विज्ञान पर बात करते हैं, हमारे गविसिद्धर डॉक्टरों की कैसी सोच होती है, इसे सुनने के लिए खुला प्लेटफॉर्म रहता है। दुनिया में कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जो अपने मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आम लोगों के लिए खोल सके, बंद कमरे में होता है। भारत में जितनी भी थेरेपियां हैं, मेडिकल थेरेपियां हैं, सभी थेरेपियों के मेडिकल कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में होता है, लेकिन पंचगव्य मेडिकल कॉन्फ्रेंस खुले प्लेटफॉर्म पर होता है जहां आप सभी आमंत्रित हो। आप सभी देख सकते हो कि गैया के गोबर से क्या क्या कुछ पिछले वर्ष नया हुआ, हमने किन किन बीमारियों को कितने समय में जड़ मूल से नष्ट किया, बच्चों की मेधा शक्ति कितनी बढ़ गई, पारिवारिक कलह कितना मिट गया, ये सारा कुछ खुले प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हो आप। और ये सारा कुछ जो है एक पुस्तक में प्रतिवर्ष छपता है, उस पुस्तक का नाम है गव्य सिद्ध। इस गव्य सिद्ध पुस्तक में पढ़ सकते हो आप। पिछले वर्ष यह मेडिकल कॉन्फ्रेंस राजस्थान के पुष्कर नगर में हमने किया और वहां जो कुछ भी आया उसकी जो पुस्तक है गव्य सिद्ध पुस्तक वह आपको यहाँ पर स्टॉल पर मिल सकता है। आप उस तक पुस्तक को लेकर के देख सकते हो कि पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान ने पिछले वर्ष क्या क्या काम किए, किन किन बीमारियों पर काम किया और जितनी भी जटिल बीमारियां थी जैसे सिकल सेल थैलेसीमिया, जैसे गर्भधारण की समस्या, नैसर्गिक प्रसव की समस्या,
इन सभी समस्याओं पर जो परिणाम आया, ये सारे परिणाम आपको उसमें मिलेंगे। गाय के गोबर का केमिकल एनालिसिस, उसकी रिपोर्ट आपको मिलेगी, और दूसरे गव्यों की भी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट उसमें से मिलेगी। आप अगर विस्तार से इस विषय को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तब आप हमारा मेडिकल बुलेटिन भी लेकर के आप पढ़ सकते हो। मेडिकल बुलेटिन की जो भाषा है वह हिंदी भाषा होती है, अगर हिंदी भाषा की समझ है तो आप उसे निश्चित रूप से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो यह जो गाय है कितनी अद्भुत है, और इसमें सृष्टि का कितना बड़ा विज्ञान समाहित है। गैया को हम भूल गए क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि यह गैया बेकार की है, इससे तो कृषि कर्म भी नहीं होता है, और उन्होंने हमारे किसानों को ट्रैक्टर हाथ में थमा दिया। गाय के गोबर और गोमूत्र से अच्छी खेती नहीं होती है, इसके लिए उन्होंने जो है हाइब्रिड अनाज दे दिए और यूरिया और डीएपी दे दिया। अगर आप में से कुछ भाई या बहन अगर कृषि कर्म से जुड़े हो या ना भी आप जुड़े हो, तो एक छोटा सा प्रयोग आप अपने जीवन में करके देखना। चाहो तो कल आप अपने घर पर भी ऐसा प्रयोग कर सकते हो। बाजार से थोड़ा यूरिया लेकर के आ जाओ, वही यूरिया जो किसान अपने खेतों में डालते हैं, और इस यूरिया में थोड़ा पानी डाल करके उसका एक लड्डू जैसा बना लेना, और गैया के पास चले जाओ और गैया का गोबर लेकर के आ जाओ और उसका भी एक लड्डू बना लो। फिर खेत में जाओ और वहां से थोड़ी मिट्टी लेकर के आ जाओ और मिट्टी का भी एक लड्डू बना लो, और फिर गाय का गोबर और मिट्टी दोनों को मिला करके एक लड्डू बना लो। इस तरह से चार पांच लड्डू जैसा बना लो आप, थोड़ा थोड़ा मिट्टी, और जब सूख जाए तब थोड़ा इन सभी लड्डुओं में पानी डालो आप, और सभी में एक एक बीज डालना आप, किसी भी अनाज का बीज, गेहूं का बीज हो सकता है, चना का बीज हो सकता है, जौ का बीज हो सकता है, या किसी तरकारी का बीज हो सकता है, कोई भी एक बीज को डाल दो और थोड़ा थोड़ा पानी आप उसमें से प्रतिदिन डालना, और देखना कि किस लड्डू में बीज अंकुरित हुआ और किसमें पौधा बन सकता है। आप देखोगे कि यूरिया और डीएपी में डाला हुआ बीज दूसरे दिन ही जल करके खत्म हो जाता है, मिट्टी में डाला हुआ बीज फिर भी अंकुरित होता है, गोबर में डाला हुआ बीज संपूर्ण अंकुरित होता है, और गोबर और मिट्टी में डाला हुआ बीज भी संपूर्ण अंकुरित होता है। यूरिया के पास अगर ताकत होती पौधों में विकास करने की, तो यूरिया के लड्डू पर डाला हुआ बीज अंकुरित होता, लेकिन यूरिया के लड्डू पर डाला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। यह छोटा सा प्रयोग है, आप करके देख सकते हो। इसका अर्थ है कि यूरिया और डीएपी खेतों में डालने से पैदावार नहीं बढ़ती, अगर बढ़ता तो यूरिया और डीएपी के बोरी के ऊपर बीज डाल दो तो उसमें से पौधा अंकुरित होता और फल भी लगते, लेकिन यूरिया और डीएपी पर गलती से कोई बीज गिर जाए तब वह समूल नष्ट हो जाता है, क्योंकि यूरिया और डीएपी तो जहर है, जहर पर कोई पौधा अंकुरित नहीं हो सकता है, वृक्ष बनना तो दूर की बात है। लेकिन जब किसान खेतों में डालते हैं यूरिया और डीएपी, तब किसान कहते हैं कि फसल ज्यादा निकली, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि यूरिया और डीएपी एक नंबर का जहर है, और जब मिट्टी में हमारे किसान इस जहर को डालते हैं तब मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं की हत्या होती है। मिट्टी में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, माइक्रोन्यूट्रिशन जो है, सब खत्म हो जाता है, कार्बन में बदल जाता है, या जीव मर जाता है, और जीव का शरीर मृत हो गया, उस मृत शरीर के सड़ने से जो पोषकता आती है मिट्टी में, उस पोषकता पर पौधा लहलहाता है, यूरिया और डीएपी पर नहीं लहलहाता। यूरिया और डीएपी में कोई भी ताकत नहीं है, बल्कि वह दुनिया का एक बहुत बड़ा जहर है जो मिट्टी में जाकर मिट्टी की पोषकता को नष्ट कर देता है।